तो हमारा वेरी गुड. जो है यहाँ से केमिकल शिफ्ट है, और केमिकल शिफ्ट को हम पोजीशन ऑफ सिग्नल के नाम से भी जानते हैं. और इसको जो केमिकल शिफ्ट है इसको हम टाउ या फिर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके बाद जो हमको जो सिग्नल जो मिलती है हम यहाँ पे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे. आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ केमिकल शिफ्ट एंड पोजिशन ऑफ सिग्नल, और केमिकल शिफ्ट को पोजिशन ऑफ सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है, और इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये जो है CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है. और इस मेथिल अल्कोहल में जो स्ट्रक्चर है जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है. तो मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो केमिकल जो शिफ्ट में जो अप फील्ड और डाउन फील्ड जो सिग्नल प्राप्त होते हैं उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहता हूँ. तो आप देखेंगे कि एक बीच में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें होता है प्रोटॉन होता है. प्रोटॉन भी आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपको जो दिखाई दे रहा है ना भाई, ये कार्बन से एक दो और तीन, मतलब कार्बन से एक दो तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. और यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का जो सेंस है वो प्रोटॉन से है, ठीक है. तो उसी तरह से जो एक हाइड्रोजन जो राइट साइड में है वो मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. तो दोनों के बीच में जो किस प्रकार शील्डिंग और डीशील्डिंग हो रही है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं. तो यहाँ पे देखिए आपके बीच में एक न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस में होता क्या है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर एक सेल बनी रहती है, और इस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कर्ड रहते हैं, मतलब क्लाउड रहता है, अर्थात भरा हुआ रहता है, ढका हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग. अभी जो एक प्रोटॉन्स है और जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये जो अभी है इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्लाउड है, मतलब कॉर्ड है, मतलब ढका हुआ है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन इस सेल में चक्कर लगा रहे हैं. यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ. अब इसके भी जब इस इलेक्ट्रॉन सॉरी इस प्रोटॉन में जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो जब इस न्यूक्लियस में इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब इफेक्ट पड़ता है इस न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे रिजोनेंस उत्पन्न होता है. अब रिजोनेंस क्या होता है इसके बारे से भी हम बात करेंगे. तो फिलहाल अभी मैं यही बता रहा हूँ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियस में, तो यहाँ पे एक रिजोनेंस उत्पन्न होता है, और इसी रिजोनेंस के रिस्पेक्ट में ही हमको NMR के सिग्नल यहाँ पे प्राप्त होते हैं, और उसी के बारे से हम बात करेंगे. जब यहाँ पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पे रिजोनेंस उत्पन्न होगा, रिजोनेंस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ. अब जब रिजोनेंस उत्पन्न होगा तो हमको इसके वजह से इसके रिस्पेक्ट में हमको NMR की सिग्नल प्राप्त हो जाएगी, और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो आप देखिए यहाँ पे जो कार्बन के साथ एक दो तीन हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और एक ऑक्सीजन समूह के साथ एक हाइड्रोजन समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है. तो कारण ये है कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है, तो यहाँ देखिए ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, ये जो प्रोटॉन है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो सेंस है प्रोटॉन से है. तो इस प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहे हैं, मतलब ये जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन वो कवर्ड है, मतलब ढका हुआ है, और इसी को कहते हैं हम शील्डिंग. अब मतलब किसी भी प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ढका होना हमारा शील्डिंग कहलाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है. अब बात यह है कि यहाँ पे जब ये जो शील्डिंग है, अब यहाँ से जो है यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, इसको मैं नाम से डिफाइन कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे दो टाइप्स के प्रोटॉन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे दो प्रकार के प्रोटॉन है, एक तो है कार्बन समूह के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. तो यहाँ पे मैं इसको जो फर्स्ट वाला है उसको मैं ए से डिफाइन कर रहा हूँ, और जो लेफ्ट साइड में उसको मैं बी से यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे जो तीन हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन एक कार्बन समूह से जुड़ा हुआ है, और राइट साइड में जो ए से मैंने प्रदर्शित किया डिफाइन किया है वो है जो ऑक्सीजन समूह से यहाँ पे जुड़ा हुआ है. तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर आप देखेंगे जब यहाँ पे रिएक्शन की बात होती है, तो ये जो हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन का सेंस है, इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, मतलब चक्कर लगा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये जो ऑक्सीजन समूह है अपनी ओर आकर्षित करेगा. जब यहाँ पे अपनी ओर इसके इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन की जो सिग्नल है वो शून्य हो जाएगी, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं. जब किसी भी प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, और तो उसी को कहते हैं हम डीशील्डिंग. ये इसको अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, इधर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे बल्कि डिसशील्डिंग हो जाएगा. और यहाँ पे जो है ये जो तीन हाइड्रोजन है, तो अब क्या है कि जब यहाँ से हाइड्रोजन के जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो भ्रमण कर रहे थे वो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लिया. अब यहाँ से क्या करें, क्यों 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 ऑक्सीजन क्यों खींचा, तो
मैडम जी यहाँ पे हुआ ये है, ऑक्सीजन ऋण विद्युती है, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जी मैडम, ये जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, एग्जैक्ट बताओ है ना, इसके कारण अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेता है। अब बात ये रही, अगर हमको हम माने कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है इसमें भी जो एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो पाते इलेक्ट्रॉन, कारण ये है कि ये ऋण विद्युती है, इसमें तो एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसके कारण से या इसके हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर इसको आकर्षित कर लेता, खींच लेता है, जिसके कारण ये डिसरिंग हो जाता है, अर्थात यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं रहते इसमें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है कि ये जो तीन हाइड्रोजन है जिसका सेल प्रोटॉन से है वो कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसको एब्जॉर्ब करने में इसको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके ये जो ऑक्सीजन है इसको सबसे पहले कार्बन समूह से टकराना होगा, तब जाके हाइड्रोजन का उसका मतलब संश्लेषण करना होगा। तो बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब डायरेक्ट, अब जब डायरेक्ट होता है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है एकदम तेजी से गति करते हैं और ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, तो इसलिए यहाँ तेजी से गति होगा। अब बात यह है कि हाइड्रोजन इस प्रकार की जो हाइड्रोजन है इस टाइम, मतलब जो बी नंबर वाला जो हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन का सेंस है इसमें से होगा, इसलिए नहीं क्योंकि इसके साथ मतलब ऑक्सीजन को प्रोटॉन से टकराने के पश्चात उसको कार्बन समूह से टकराना होगा, शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट होगा जिसके कारण ये जो है यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बी नंबर वाला जो यहाँ पे प्रोटॉन है उसे कहेंगे हम शील्ड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए ये तो हमारी बात में समझ में आ गई है कि डिसेल्डिंग क्या हो गया और सेल्डिंग क्या हो गया। अब यहाँ पे मैं एक आरेख बना रहा हूँ जिसको कहते हैं हम एनएमआर के मदद से, हम इसको जो सिग्नल प्राप्त होती है उसको हम यहाँ पे दर्शाने वाले हैं। और जो यहाँ पे हमको एक मिलता है, जैसे यहाँ पे एक आरेख बना दे रहा हूँ छोटा सा मैं इस प्रकार से, और यहाँ पे जो स्केल बनी रहती है 0 से लेकर 10 तक बनी रहती है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे बात करेंगे हम अप फील्ड और डाउन फील्ड की बात करेंगे, और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे जो सिग्नल मिलता है हमको एनएमआर में जो सिग्नल मिलता है वो मिलता है टेट्रा मिथाइल सिलेन के मतलब रिप्रेजेंट से रिस्पेक्ट से मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे टेट्रा मिथाइल सिलेन, इसके रिस्पेक्ट में हमको सिग्नल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको किस प्रकार से यहाँ पे ये जो स्केल बनी इसमें से किस प्रकार से आप फील्ड और डाउन फील्ड में जो सिग्नल प्राप्त, टेट्रामिथाइल सिलेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बनाइए टेट्रामिथाइल सिलेन का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेन होता है, और सिलेन में यहाँ पे सिंगल बोन CH3 और CH3 और सिलिकॉन है वो है ना। जी मैम, और यहाँ पर एक वेव के तहत एक वेव फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे CH3 जुड़ा रहता है, और यहाँ पर एक डैश डैश इसका मतलब बिलो द प्लेन और आउट ऑफ द प्लेन है ना, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसे कहते हैं टेट्रामिथाइल सिलेन का स्ट्रक्चर, चतुष्फल की संरचना है। जी मैम, अब ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, तो हम टेट्रामिथाइल सिलेन में अभी ज्यादा हम बात नहीं करते, जो मेन टॉपिक है उसी में बात करते हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे एक बात है यहाँ पर कि अगर देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको अगर समझ गए आप तो ये जो यहाँ पे जो बना है सिग्नल तो किस प्रकार से यहाँ पे अचीवमेंट होता है सिग्नल को उसको अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे जो स्केल दर्शाई जाती है TMS की जो वैल्यू होती है 0 होती है, यहाँ पे जो स्केल बनी रहती है 0 से 10 तक बनी रहती है। अब बात हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो हुआ है वही सिग्नल हमको यहाँ पे दर्शाना है, किस प्रकार से दर्शा सकते हैं देखिए। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि यहाँ पे जो भी शील्डेड प्रोटॉन होंगे, जो भी सिंडेड प्रोटॉन होंगे वो TMS की ओर मतलब बढ़ेंगे, मतलब उसके पास में आएंगे, मतलब कहने मतलब ये है कि जो सिंडेड प्रोटॉन होंगे वो TMS के पास आएंगे, और जो डी सिंडेड प्रोटॉन होंगे वो TMS से दूर आएंगे, मतलब इधर की ओर आएंगे लेफ्ट साइड। कहने मतलब ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रोटॉन मैंने दो रखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द प्रोटॉन, यहाँ पे नंबर वन बी से मैंने इसको डिफाइन किया और एक को ए से डिफाइन किया। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे मैं B कर दिया और यहाँ पर मैं A कर दिया, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो B वाला है, ये जो B वाला जो प्रोटॉन है इसका जो सिग्नल होगा टेट्रामिथाइल सिलेन की ओर होगा, और जो A नंबर वाला है जो प्रोटॉन है वो टेट्रामिथाइल से दूर भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो ए नंबर वाला है वो डी शील्डिंग है और अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, और ये जो बी नंबर वाला है ये शील्डिंग है और अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर टेट्रामिथाइल सिलेन की ओर बढ़ेगा, और यहाँ पर ही जो ए जो रहता है शील्डिंग जो रहता है वो अप फील्ड की ओर होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अप फील्ड, ये अप फील्ड, और जो ए नंबर वाला जो प्रोटॉन होगा जो डी शील्डिंग होगा जो टेट्रामिथाइल सिलेन से दूर आएगा उसे कहते हैं हम डी शील्डिंग।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिग्नल हमको मिलते हैं किस प्रकार से मिलते हैं, इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि असल में यहाँ से दरअसल मिलता किस प्रकार से। अगर हमारे पास दो टाइप के प्रोटॉन है तो दो ही सिग्नल हम पहुंचे होंगे या दो ही सिग्नल हमको मिलेंगे। अगर हम तीन टाइप के यहाँ पे प्रोटॉन करते हैं तो तीन प्रकार के हमको यहाँ पे सिग्नल मिलेंगे। बाय द वे एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, अगर यहाँ पे CH3 और यहाँ पर मेरे पास OH है, OH और यहाँ से नीचे में CH3 और यहाँ पे CH। अब यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि पहले वाला जो स्ट्रक्चर है मेथिल अल्कोहल का है और दूसरा जो है मेथिल क्लोराइड का है। अब इसमें बात यह है कि इसमें भी CH3 का जो सिग्नल है ये भी आपको सेम ही मिलेगा। और बात यहाँ ये है कि फर्स्ट वाला जो मेथिल अल्कोहल में इसमें जो OH समूह जुड़ा है और इसमें क्लोरीन समूह जुड़ा है, कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो सिग्नल रहेगा सेम रहेगा। बाय द वे OH और CL मतलब अल्कोहल और क्लोरीन जुड़ने के कारण इनका जो सिग्नल है वो डिफरेंट प्रकार से यहाँ पे प्राप्त होगा हमको। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे OH है और यहाँ पे CL जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो हाइड्रोजन नहीं है क्लोरीन में, है ना, और प्रोटॉन NMR पड़ रहा है। जी मैम, जिसके कारण हमको जो सिग्नल है वो डिफरेंस रूप में यहाँ पे प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर हमको जैसे कि यहाँ पे बाय द वे यहाँ डिफरेंट सिग्नल अगर हमको जो बी है मतलब जो है शील्डिंग वाला शील्डिंग का अगर हमको यहाँ पे प्राप्त होता है मतलब यहाँ पर हो गया और जो डी शील्डिंग है जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर हो गया, तो इसकी जो हमको जो सिग्नल जो मिलता है कुछ इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से यहाँ पर जहां से हमको सिग्नल मिलता है कुछ इस प्रकार से हमको मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शील्डिंग है वो जो शील्डिंग जो फील्ड शील्डिंग जो प्रोटॉन होते हैं वो टेट्रा मिथाइल सिलेन की ओर होता है और जो डी शील्डिंग जो प्रोटॉन होता है वो टेट्रा मिथाइल सिलेन से दूर होता है। तो इसी के कहते हैं हम केमिकल शिफ्ट एंड पोजीशन ऑफ सिग्नल कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए और जो यहाँ पे ए वाला है एरो तो बिल्कुल सही बनाते हो, पी कप वो वाली बनाना है ना जी, बी टीएमएस के पास में। जी मैम, अब देखिए यहाँ पे होगा ऐसा कि जो सिग्नल जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी कि जो बी है ना भाई बी जो है शील्डिंग है और जो शील्डिंग जो होता है वो टेट्रामिथाइल सिलेन की ओर बढ़ता है और जो डी शील्डिंग जो होता है जिसको मैंने ए से डिफाइन किया है वो ए सीधा टेट्रामिथाइल सिलेन से दूर हटेगा। तो यहाँ पे जो सिग्नल होते हैं दोनों के ये जो आरेख है इसके बीच में हमको सिग्नल प्राप्त हो जाते हैं। बाय द वे हमारे पास अभी दो प्रोटॉन है इसलिए हमको दो ही सिग्नल यहाँ पे प्राप्त होंगे, अगर तीसरा प्रोटॉन भी होता तो यहाँ पे तीन सिग्नल प्राप्त होते। तो इसमें क्या है एक डिफरेंस पोजीशन होती है, उस डिफरेंस पोजीशन के हिसाब से ही हमको यहाँ पे सिग्नल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो लगा हुआ है तो हमको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पिक मिलेगी, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ठीक है, आप सही शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लो अगर यहाँ पे बी जो है शील्डिंग है, अगर बाय द वे अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन और होता तीन प्रोटॉन होते जिसमें से उनकी जो स्थिति होती पोजीशन हम बना सकते हैं अपने अनुसार कि द डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन रिस्पेक्ट टू एनएमआर इज कॉल्ड केमिकल शिफ्ट। तो कारण क्या है कि यहाँ पे जो है यहाँ पर जो है प्रोटॉन जो सिग्नल जो होते प्रोटॉन के सिग्नल का अब फील्ड से डाउन फील्ड में शिफ्ट होना ही हमारे केमिकल शिफ्ट कहलाता है। और यहाँ से वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत